अब प्राइमर हो गया, करेक्टिंग हो गया और कंसीलिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है फाउंडेशन। अब जब हम फाउंडेशन लेते हैं या फाउंडेशन खरीदते हैं या यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फाउंडेशन खरीदे जो हमारी स्किन पे सूट करेगा और अच्छी तरह सेट करेगा। तो फाउंडेशन 4 टाइप्स की कंसिस्टेंसी में आते हैं। पहला क्रीम फाउंडेशन, सेकेंड लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन एंड पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन आई रिकमेंड कि हर स्किन टाइप का इंसान यूज करे अपने नॉर्मल फाउंडेशन के ऊपर। कैसे वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, बट फिलहाल अभी हम लिक्विड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। लिक्विड फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी बहुत रनी होती है किसी भी लिक्विड की तरह, और लिक्विड फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी होते हैं। लिक्विड फाउंडेशन मॉइस्चराइजिंग होते हैं, उनमें एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एंड लिक्विड फाउंडेशन में कई बार SPF भी होता है और बहुत अच्छी कवरेज भी देते हैं। लिक्विड फाउंडेशन फर्दर 2-3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ऐसा फाउंडेशन, अब ये बॉबी ब्राउन का स्किन लॉन्ग वेयर वेटलेस फाउंडेशन है। इसमें SPF 15 है और इसमें ऑयल फ्री शाइन कंट्रोल एक्शन है, मतलब ये एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है जो कि ऑयली स्किन टाइप्स के लिए होता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कुछ ऐसा यूज करें जो एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है। तो बेसिकली अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप बस काउंटर पे जाओ और उनसे पूछो कि कोई जो भी फाउंडेशन आपको पसंद है कि ये मैटिफाइंग है या नहीं है। अगर मैटिफाइंग है और आपकी ऑयली स्किन है तो गो फॉर इट। तो ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी है इस फाउंडेशन की, और ये बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग है और बहुत लॉन्ग वेयर भी है, जो कि इसका नाम है। सेकेंड होती है ऐसी फाउंडेशन जो कि ड्राई स्किन टाइप्स के लिए होती है, क्योंकि ये श्योर ग्लो फाउंडेशन है। ऐसी फाउंडेशन भी लिक्विड ही होती हैं बट ये एक ग्लो प्रोवाइड करती हैं। इसमें अंदर ग्लो देने वाले पार्टिकल्स और शाइन देने वाले मॉइस्चराइजिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देते। तो बेसिकली ये ड्राई स्किन टाइप के लिए सूटेबल होती हैं ऐसी फाउंडेशंस। और ये है नॉर्मल स्किन टाइप जो कि हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड ये टाइप ऑफ फाउंडेशन होती है ये वाली, जो कि है नायका का स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। तो ऐसी फाउंडेशन होती है जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल होती हैं। इसमें डीप हाइड्रेशन भी देती है और ऑयल कंट्रोल एक्शन भी होता है। तो ये हर स्किन टाइप के लिए पॉसिबल रिकमेंडेड होती हैं। सो बेसिकली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक मैटिफाइंग फाउंडेशन लेना रेकमेंडेड है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक मॉइस्चराइजिंग और एक ग्लोई फाउंडेशन जो बिल्कुल भी मैटिफाइंग ना हो, वैसी फाउंडेशन आप लें। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कैसी फाउंडेशन लेनी है। वो ऑलमोस्ट सारी फाउंडेशन नॉर्मल स्किन पे बहुत ब्यूटिफुली सिट करती हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आई वुड रिकमेंड कुछ बहुत लाइट वेट लें, जैसे ये बीच वाली, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट वेट हो, ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा रेस्ट ना करे, कुछ हैवी आपकी स्किन के ऊपर रेस्ट ना करे जो इरिटेशन कॉज करेगा। तो इट इज बेटर कि आप कुछ बहुत लाइट वेट, बहुत स्मूथ फाउंडेशन दें। एक लाइट वेट और स्मूथ फाउंडेशन ये भी है, ये Maybelline की फिट मी फाउंडेशन है। इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत रनी है और ये बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है। इनफैक्ट नायका की जो ये वाली फाउंडेशन है ये भी बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी फाउंडेशन है। तो सेंसिटिव स्किन ये वाली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उन्हीं वही फाउंडेशन लें जो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स होती हैं, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप मैटिफाइंग फाउंडेशन लेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा मैट ना लगे, तो वो एक चांस, मतलब एक अनसर्टेन चीज़ हो जाएगी। तो यू गो फॉर फाउंडेशन जो हर स्किन टाइप को सूट करें। अब आज मैं यूज कर रही हूँ नार्स की शेयर ग्लो फाउंडेशन, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। अब फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ डॉट करते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके बेस को नेचुरल लुकिंग लगने में। मेन प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट
अपने सेंटर ऑफ द फेस पे अप्लाई करें और फिर उसको अपने उस प्रोडक्ट को बाहर की तरफ ब्लेंड करें। अगर मैं अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा लगाती हूँ अपने फोरहेड पे, अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेके यहाँ पे लगा दूंगी तो उतना ही उसको ब्लेंड आउट कहाँ होगा, उसके पास ऑब्वियसली जगह नहीं है ब्लेंड आउट होने की। यहाँ पे मेरी हेयर लाइन है तो उसको ब्लेंड आउट होने की उसके पास जगह नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे एक अलग सी लाइन लगेगी फाउंडेशन की जो केक ही लगेगा, जो नेचुरल नहीं लगेगा। तो जब मैं अपने फोरहेड पे फाउंडेशन लगा रही हूँ तो मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट बीच में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी अपनी हेयर लाइन के अंदर, तो वो एक नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन लगेगा। ऐसे ही जब मैं यहाँ फाउंडेशन डॉट कर रही हूँ तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ रही, इसके आगे मैं उसको स्प्रेड करूंगी। सिमिलरली यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन लगा रही हूँ उसको मैं सिर्फ यहाँ पे ब्लेंड आउट नहीं करूंगी, मैं उसको नीचे ड्रैग करूंगी अपनी नेक पे। अपनी फाउंडेशन को कभी भी नेक को ना भूले, और यहाँ पे भी सिर्फ यहाँ तक डॉट होगी। इस एरिया में कुछ भी फाउंडेशन मैं अपने हाथ से अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसी को ड्रैग आउट करूँगी, क्योंकि अगेन अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगा लूँगी फिर वो एक लाइन सी बन जाएगी और वो ऑटोमेटिकली केकी और अननेचुरल लगेगा। तो उसको नेचुरल फिनिश देने के लिए मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने सेंटर में लगाऊंगी, उसके बाद उसको मैं बाहर की तरफ ब्लेंड आउट करूंगी, और सिमिलरली जो भी मेरे पास प्रोडक्ट बचा है मैं उसको अपनी नेक पे सिर्फ ड्रैग डाउन कर दूंगी एंड फिर उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। अब मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग मैं अपने सेंटर ऑफ माय फोरहेड से स्टार्ट करूंगी और उसको बाहर की तरफ ब्लेंड आउट करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी नेचुरल फिनिश आई है फाउंडेशन की। अब आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट मैंने यहां अप्लाई किया था मैंने उसको ब्लेंड करके बस अपनी हेयरलाइन के अंदर पुश किया है, तो वो अपने आप एक नेचुरल फिनिश ही आएगा। अब हमने लिक्विड फाउंडेशन के बारे में बात करी है और मैंने आपको लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करके भी दिखाए हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो हमारे फाउंडेशन होते हैं वो होते हैं स्टिक फाउंडेशन। स्टिक फाउंडेशन मैं पर्सनली यूज नहीं करती कभी भी, और सच बोलूं तो मैंने आज तक कभी करे भी नहीं है, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन आर ओनली मेंट फॉर ऑयली स्किन टाइप्स। स्टिक फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो ये होती है कि उस स्टिक को इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप उसको वैसे यूज करें, बाकी सबका यूज करने का तरीका अलग होता है, बट स्टिक फाउंडेशन को आइडियली जब हम यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं कि स्टिक से पहले प्रोडक्ट को निकाल के अपने पाम पे या अपनी फिंगर्स में पहले वॉर्म करो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। एंड स्टिक फाउंडेशन आर मेंट फॉर ओनली ऑयली स्किन। ड्राई स्किन टाइप्स अगर स्टिक फाउंडेशन यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत फ्लेकी और पैची लगेगा और आपकी स्किन पे मतलब ड्राई स्किन के लिए मेंट नहीं होते हैं यूजली स्टिक फाउंडेशन, इसलिए मैंने आज तक कभी ट्राई भी नहीं करे हैं। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्टिक फाउंडेशन को जरूर एक बार ट्राई करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट निकाल के उसको थोड़ा वार्म अप करके अपने पाम पे या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वार्म अप करके फिर उसको अप्लाई करें। और एक और तरीके के फाउंडेशंस होते हैं जो कि होते हैं ये क्रीम फाउंडेशंस। क्रीम फाउंडेशंस यूजुअली कॉम्पैक्ट के फॉर्म में आते हैं और पर्सनली मुझे क्रीम फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे क्रीम फाउंडेशंस बिल्कुल भी, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक लैनकॉम का कॉम्पैक्ट है, इसमें ऊपर ये पफ आता है, बस आपको इसको ऐसे प्रेस करना है एंड प्रोडक्ट इस पे आ जाता है और उसके बाद आप प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर। मुझे पर्सनली कभी क्रीम फाउंडेशन अट्रैक्ट ही नहीं किए, मैंने कभी यूज मतलब बहुत हार्डली कभी कर रहे हूँ तो कभी कर रहे हूँ, बट नहीं आई अवॉइड क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन ऐसे भी आते हैं
बस इसको प्रेस करो और इसमें से फाउंडेशन निकलेगा. I'm very confused about cream foundations. Usually कहते हैं कि cream foundations dry skin को use करना चाहिए क्योंकि वो बहुत moisturizing होते हैं ये apparently. But ये जिस तरीके से इनकी finish है और जिस तरीके से ये set होते हैं मेरे face पे मुझे कभी पसंद नहीं आया, तो मैंने कभी use नहीं किया. But आप अपने लिए use करके देख सकते हैं, अगर cream foundations आपके लिए work करती हैं तो well and good. वरना liquid foundations में हर skin type के लिए options है ही, जो कि मैंने भी आपको बताए. ड्राई स्किन के हिसाब से अलग लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं, ऑयली के हिसाब से अलग होती हैं. अब जब हमने करेक्टिंग के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आप येलो कलर यूज कर सकते हैं अपने स्किन के एरियाज को ब्राइटन अप करने के लिए. जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मैंने कंसील कर लिया, करेक्ट कर लिया, फाउंडेशन लगा लिया है, बट अब मेरी स्किन टोन पूरी एक टोन लग रही है. और मैंने आपको बोला था कि आप येलो करेक्टर यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, और उसकी जगह मैं एक या दो शेड लाइटर कंसीलर यूज करती हूँ. तो अब मैं वो हाइलाइटिंग वाला स्टेप फाउंडेशन की बात करती हूँ, विच इज दो टोन लाइटर कंसीलर लिया मैंने. ये है क्रीमी बेज एले गर्ल का, और ये ऑब्वियसली मेरे लिए लाइट है, बस अपने सेंटर ऑफ माई फेस मतलब मेरे टी जोन को ब्राइटन अप करने के लिए मैं ये स्टेप करती हूँ. और फाउंडेशन के बाद ये स्टेप होता है ब्राइटनिंग अप का. बट अगर आप येलो करेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो जब हम करेक्टिंग करते हैं कंसीलर से पहले, सबसे पहले, तो करेक्टर आप तभी यूज करेंगे. बट अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. और ट्रस्ट मी, जो मैं अभी बेस रूटीन कर रही हूँ, मेरा बेस रूटीन पिछले 1-1.5 साल से यही है, और आज तक मेरे चैनल में मुझे सबसे ज्यादा मेरे बेस के लिए ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग. तो आप अपने आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं. तो अभी मैं अपने से दो शेड लाइटर कंसीलर यूज करके सिर्फ अपना टी जोन मतलब अपने फेस का सेंटर पार्ट ब्राइटन अप करूंगी. बस ऐसे हम लोग अब ब्लेंड आउट करेंगे इसको. आप देख सकते हैं इंस्टेंट लिफ्ट अप है सिर्फ अंडर आई थोड़ी सी ब्राइटन करने के बाद. इसीलिए मैं ब्राइटन अप करती हूँ एक लाइटर कंसीलर से. ऑलमोस्ट डन है. अब हम अपने लास्ट स्टेप पे जाएंगे बेस के, जो कि मैं आपको बोल रही थी पाउडर फाउंडेशंस. पाउडर फाउंडेशंस यूजुअली ट्रांसलूसेंट पाउडर्स या फिर लूज पाउडर्स ही होते हैं, और मेरे बेस का लास्ट स्टेप इज पाउडर. अब पाउडर क्यों जरूरी होता है? पाउडर से अपने फेस को सेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स मैं लगा चुकी हूँ, लेयर कर चुकी हूँ अपनी स्किन पे, और इसके नीचे मेरा स्किन केयर अलग है. तो इतने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स जब लेयर हो चुके हैं उसके ऊपर हमें कुछ चाहिए जिससे हमारा मेकअप इंटैक्ट रहे और मूव ना करे, क्योंकि हम लोग जब हीट में बाहर घूमते हैं तो ऑब्वियसली हमें स्वेटिंग भी होती है, और थोड़े घंटों बाद हमारा मेकअप क्रीज हो सकता है, मेकअप मूव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. तो इट इज ऑलवेज गुड कि हम अपने फाउंडेशन को और अपने फेस को और अपने सारे प्रोडक्ट्स को इंटैक्ट करके लूज पाउडर से सेट करें. अब लूज पाउडर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर और एक होता है आपके कलर्ड लूज पाउडर्स. बेसिकली एक होता है ऐसा ट्रांसलूसेंट पाउडर जिसके बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो वाइट कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है. एक होता है ऐसा पाउडर जो कि आपके स्किन के शेड के कलर के हिसाब से होता है, और ये बिल्कुल फाइन नहीं होता है. इसलिए थोड़ा सा कवरेज होती है इस फाउंडेशन इस पाउडर में. मेरा फेवरेट ये पाउडर है. और अगर आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करना है तो आप लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो यूज कर सकते हैं.
या फिर ये मेबलिन फिट मी है अगर आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से चाहिए, वरना हुडा ब्यूटी का जो लूज पाउडर है वो भी बहुत अच्छा है, मेरे को भी चाहिए, बट भैया आई कैन नॉट ट्रैवल अभी, तो वरना आई लिटरली वांट दैट। एंड मैं बिना शेड रियल में देखे फाउंडेशन कंसीलर और पाउडर्स नहीं लेती, तो आई हैव टू मूव देयर, ट्रैवल करना पड़ेगा लेने के लिए। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब अपने फेस को, मेरे अंडर आई पे बहुत क्रीसिंग होती है, तो क्रीसिंग अवॉइड करने के लिए, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए हम अपना लूज पाउडर यूज करते हैं। लूज पाउडर यूज करने के बाद आपका मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट हो जाता है, अब बिल्कुल भी क्रीसिंग नहीं होती है। अब कई लोग बेकिंग भी करते हैं और कई लोग बिल्कुल मेरी तरह लूज पाउडर लगा के छुट्टी हो जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बेकिंग क्या होता है। ऑनेस्टली मैं बेक नहीं करती कभी भी, मेरा कंसीलर बहुत क्रीज होता है, मेरे यहाँ पे लास्ट लाइन्स भी हैं, तो अभी भी इनफैक्ट आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन, पता नहीं आपको दिखाया नहीं, पर मेरा फाउंडेशन ऑलरेडी क्रीज हो चुका है, मेरे अंडर आई ऑलरेडी क्रीज हो चुकी है, इसलिए मेरे को लूज पाउडर से सेट करना तो इज मैंडेटरी फॉर मी, बट मैं बेक नहीं करती बिकॉज मुझे ऐसा बेको लगता है ऐसा पर्सनली। बाकी लोगों के लिए तो बेकिंग इज देयर वर्शिप, लोगों को बेकिंग बहुत पसंद है, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि बेकिंग करने के बाद मेरी स्किन थोड़ी और ड्राई लगती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ड्राई स्किन है और वो थोड़ा और केकी लगता है। बट ऑनेस्टली मैंने बेकिंग कभी अच्छी तरह प्रॉपर बेकिंग कभी ट्राई भी नहीं करी है, सो आई विल ट्राई दैट समडे बट नॉट टुडे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बेकिंग क्या होता है। बेकिंग इज कि बेसिकली बहुत ज्यादा लूज पाउडर लेके उसको अपनी प्रॉब्लमेटिक एरियाज में, जहां पे भी क्रीसिंग होती है वहां पे अप्लाई करना ज्यादा अमाउंट में। कैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे मैं रेगुलरली अपना फेस सेट करती हूँ मैं, हाँ, तो मैं एक डैम स्पंज में अपना लूज पाउडर लेती हूँ और मैं उसको प्लेस करती हूँ पहले, एंड फिर मैं उसको मर्ज कर देती हूँ, ब्लेंड कर देती हूँ, सॉरी मर्ज कर देती हूँ, क्या होता है, राइट। ऐसे ही मैं लाइटली बिल्कुल अपनी लिड भी सेट करती हूँ, ऐसे मैं यूजुअली अपना फेस सेट करती हूँ पाउडर से, ओके। बट बेकिंग में लोग क्या करते हैं मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो गेट रिड ऑफ ऑल द क्रीसिंग, लूज पाउडर लगाने से पहले जहां जहां क्रीसिंग हो रही है मेक श्योर आप वो ब्लेंड आउट कर दें। उसके बाद मैं बहुत, जब जो लोग बेक करते हैं वो क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और वो जहां पे भी, सपोज मेरे अंदर आए पे मेरे को बेक करना है, मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट प्लेस कर देती हूँ, ओके, थोड़ा सा और। लोग अपनी नोज पे भी बेक करते हैं क्योंकि कई लोगों की नोज पे फ्लेक होता है फाउंडेशन, और वो मतलब कई लोगों की नोज ऑयली होती है तो वहां पे फाउंडेशन फ्लेक होता है, इसलिए। अब मैंने यहाँ पे लूज पाउडर रख दिया नहीं, प्लेस कर दिया, ठीक है, एंड आई विल लेट दिस बी फॉर अबाउट 2 मिनट्स, 2-2.5 मिनट्स मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। बेकिंग में ऐसे करते हैं, ठीक है, मैंने बस यहाँ पे प्लेस कर दिया अपना लूज पाउडर और अब मैं इसको रेस्ट करने दूंगी फॉर 2-2.5 मिनट्स। अब बेकिंग क्या होता है और बेकिंग कैसे होती है। सो हाउ बेकिंग वर्क्स इज कि ऐसे एक्सेस प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है, इसको अब रेस्ट होने देंगे, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अबाउट 98.6-98.7 degrees नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मली। तो वो जो हीट होती है वो टेम्परेचर, व्हेन इट कम्स थ्रू आवर स्किन एंड द पाउडर इट गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन, मतलब वो हमारी स्किन और हमारे पाउडर के बीच में फंस जाता है और वो लिटरली वहां पे जो टेम्परेचर होता है उस, वो जब कॉन्टैक्ट में आता है हमारी स्किन और हमारे पाउडर से तो वो लिटरली हमारे कंसीलर को कुक करता है। द हीट फ्रॉम आवर बॉडी इट हेल्प्स
जो हमारी बॉडी की हीट है वो हेल्प करती है ताकि हमारा कंसीलर अच्छे से कुक हो. तो वो लिटरली हमारा कंसीलर इस टाइम बेक हो रहा है. तो वी गिव, इससे क्या होता है, इससे हमारा बिल्कुल कंसीलर और जहाँ पे भी हमें बेक करना है, कई लोग यहाँ पे भी बेक करते हैं जिनकी लाफ लाइन होती है, तो जहां पे भी हमें बेक करना है वो उसको कम्प्लीटली इंटैक्ट कर देता है और फिर वो मूव नहीं करता है. तो अभी आई एम गिविंग इट 2-2.5 मिनट्स. मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को और अपने फेस को और पाउडर को भी वर्क करने के लिए आई हैव गिवन इट 2 मिनट्स और उसके बाद मैं इसको पूरा ब्रश ऑफ कर दूंगी. उससे क्या होगा कि कंसीलर मेरा अच्छे से कुक, अच्छे से बेक हो गया है हमारी बॉडी की हीट की हेल्प से, और फिर वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा और वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा थ्रू आउट द डे एंड द नाइट. सो इट इज ऑलरेडी बीन लाइक 2 मिनट्स. तो अब इट इज टाइम टू रिमूव द बेक. सो आई विल टेक अ फ्लफियर ब्रश एंड जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द एक्सेस. Yeah. Here you have the baked side and यहाँ पे बेक नहीं हुआ है. तो अभी तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा डिफरेंस, बट आफ्टर इफ थोड़े टाइम तक जब मैं मेकअप वेयर करके रखूंगी तो ही पता चलेगा डिफरेंस, बट अभी तो कोई इतना डिफरेंस नहीं लगेगा. एंड या वी डन विद योर बेस. या So, as you can see, this is my base. This is exactly यही करती हूँ मैं अपने बेस को फ्लॉलेस और स्किन लाइक दिखाने के लिए. अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस चेस्ट एरिया और नेक में और मेरे फेस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. ऑब्वियसली अब मेकअप लगाया है तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही, बट यू कैन सी इतना कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल वाइट लग रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल केकी लग रहा है और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है. तो यही करती हूँ मैं अपने बेस के लिए. नाउ अब मेरा फेस रेडी है आगे के मेकअप के लिए. आगे का मेकअप मतलब कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट, आईज, सब कुछ के लिए अब मेरा फेस रेडी है. सो स्टे ट्यून्ड आगे का प्रोसेस सीखने के लिए. अभी तक के लिए इतना ही. एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होगे. एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सीरीज करते हुए पर्सनली, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. क्योंकि इन वीडियोस के लिए जब मैं रिसर्च करती हूँ, जब मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ या वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ें पता भी चलती हैं और वो चीज़ें मैं आपको बताती भी हूँ. तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को भी ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होंगी. एंड आई होप कि ये बेस की सीरीज आप ट्राई करो अपने लिए भी. एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम करके कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए वर्क करे या नहीं करे. एंड या मैं अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी. टिल देन डू ट्राई आउट ऑल दीज थिंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी एंड यूज द हैशटैग लर्न विद MS and I will see you in the next episode. Don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.